So hello and welcome to our second challenge of 11 days gratitude challenge. I am Dr. Shweta Amit Bhandari. I welcome you all. I am a homeopath. I am practicing in Nasik since last 8 years, and I am practicing on coaching about gratitude since last 3 to 4 years, and I have experienced a lot of beautiful feedbacks from this gratitude challenges. So let's go to our second challenge. I hope you have done your first challenge of making a wheel of life, and aapne grade kiya hai khud ko different 7 zones mein out of 10 ki aap kaha pe aaj ho aur 6 months ke baad khud ko kaha dekhna chahte ho. So similarly aapne aapke outcomes ko dekha hoga, being grateful about that. Aapne post picture post kiya hoga red dress mein, so I'm happy ki bahut sare logon ne ye task kiya hai. Mujhe aapke pictures dekh ke bahut acha laga hai, so thank you so much for doing this task one. जो हम लोग अभी फेस कर रहे हैं दैट इज पैंडेमिक, कोविड वायरस. आप लोगों ने भी ये सारा सिनारियो बहुत देखा होगा. हमारी अर्थ काफी सफर करी है बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक. हम लोगों ने लॉकडाउन फेस किया है, साइलेंस ऑल अराउंड, रास्ते पे लोग नहीं थे, हम लोग सारे लोग घर में बंद थे, और अभी भी एक वायरस के बाद दूसरा वायरस और बहुत सारे वायरस कॉन्स्टेंटली द ट्रेड्स आर कमिंग एंड कमिंग. वो एंड ही नहीं हो रहा है. वन लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन, कोविड वायरस 2, डेल्टा, लैम्डा, बहुत सारे वायरसेस के अलग अलग ट्रेंड्स अभी भी आ ही रहे हैं. सिनारियो जो अभी मेडिकल फील्ड फेस कर रही है, इट इज ऑल्सो न्यू वायरस फॉर देम. वो भी कुछ कुछ नए ट्रिक्स टेक्निक्स से लोगों को हील करने की कोशिश कर रहे हैं. जो हम लोग हमारे आजू बाजू भी पिक्चर्स भी देख रहे हैं, और हम लोगों ने जो फेस भी किया है, क्वारंटाइन फेस किया है, सब जगह पे शॉप्स बंद, सब कुछ बंद, पैसे होते हुए भी आप बहुत सारी चीजें नहीं बाय कर सकते बिकॉज द शॉप्स आर क्लोज. सिमिलरली बहुत सारे लोग अपने घर की तरफ चले थे, बहुत सारे लोगों ने माइग्रेट किया. ये सारे पिक्चर्स हम लोगों ने मीडिया में काफी बार देखे हैं. कुछ कुछ लोगों की हालत फ्रॉम दिस टू दिस ऑल्सो, बहुत सारी चीजें शिफ्ट हो गई है ऑनलाइन. वी आर ऑल्सो मीटिंग ऑनलाइन. सिमिलरली वर्क फ्रॉम होम, स्कूल फ्रॉम होम, इतने सारे केओस के बीच में चीजों को टैकल करना वॉज वेरी 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 डिफिकल्ट. बट लॉकडाउन में जब हमको ये बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट मिले हैं, उसके साथ साथ हमको बहुत सारे पॉजिटिव चीजें भी हमें लॉकडाउन में मिली है. व्हाट आर दोज पॉजिटिव थिंग्स? दिस इज कि हम हमारी फैमिली के साथ काफी सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए हैं. उसके अलावा हमको एक इम्पॉर्टेंस समझी है, जिस हेल्थ को हम लोग आज तक इतना कैजुअली ट्रीट कर रहे थे, आज हमको उसकी इम्पॉर्टेंस समझी है. जब हमको मास्क पहन के बाहर जाना पड़ता है, तभी हमको इम्पॉर्टेंस समझी है कि हमारी फिजिकल बॉडी की हेल्थ कितनी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारी मेंटल हेल्थ कितनी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारी इम्यून सिस्टम एग्जैक्टली क्या है, हमको हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग क्यों रखनी चाहिए, उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा है, और हम हमारी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो वी आर लर्निंग, वी हैव लर्न ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, एंड वी हैव गिवन इम्पॉर्टेंस टू आर हेल्थ ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक. ऑल्सो जब साइलेंटली आप अपने आप की तरफ ध्यान दे रहे थे, तभी साइलेंटली नेचर भी खुद को हील कर रहा था. ये इमेजेस है इंडिया की, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड की लेवल्स जो एयर में पहले थी कंपैरेटिवली, उसकी लेवल्स काफी लेवल तक कम हो गई है. और मतलब जो हमारी आजू बाजू का एटमोसफियर भी है, वो भी खुद को साइलेंटली हील कर रहा था. उसके अलावा आपने बहुत सारे विजिटर्स भी आपके सराउंडिंग में मीडिया में देखे होंगे कि घर के बाहर किसी को पिकअप दिख रहा है. मतलब कहीं ना कहीं हम लोग अंदर थे, बट उन लोगों को फ्रीडम मिल चुका था टू एंजॉय. ऐसे कुछ इमेजेस आपको दिखे होंगे कहीं पे, एलिफेंट्स, रेनडियर्स, पिकॉक्स. सिमिलरली जो हमारी एरोसोल्स है एयर में, कॉज ड्यू टू पॉल्यूटेंट्स, वेस्ट, व्हीकल्स से लेके इंडस्ट्रीज तक जो भी पॉल्यूटेंट्स एयर में जाते हैं, उसके जो एरोसोल्स मिलते हैं, वो सारे जो सराउंडिंग में जो एरोसोल्स है, उसका जो इम्पैक्ट हमारी एयर पे था, वो भी बहुत लेवल तक कम हो गया, क्योंकि एवरीथिंग वॉज शट डाउन. दिल्ली का कुछ पिक्चर पहले कुछ ऐसा था, इतना ज्यादा पॉल्यूटेड, आफ्टर लॉकडाउन इट वॉज समथिंग लाइक दैट. पहले सिचुएशन कुछ इस तरीके की थी, नाउ नेचर हैज हील्ड इटसेल्फ. जब आप भी बीमार होते हो तो आप एक रेस्ट लेते हो ताकि आपकी बॉडी खुद को हील कर सके. सिमिलरली नेचर हैज साइलेंटली हील्ड इटसेल्फ. अगर आप देखोगे गंगा, इतने सारे प्रोजेक्ट्स हुए आज तक क्लीन रिवर गंगा, बट ऐसा कभी स्पेस ही नहीं मिला कि जिसमें लोग नहीं हो और गंगा को ठीक कर पाए. सो दिस वॉज द स्पेस जिसमें नेचर ने भी खुद को हील किया, एंड गवर्नमेंट ऑल्सो डिड अ वेरी गुड जॉब. अगर आप देखोगे हरिद्वार का पिक्चर कुछ इस तरीके का, द वॉटर विच वॉज सो वेरी मडी,
जो गंगा जल जो हम लोग बोलते हैं उसकी प्योरिटी वापस रिटेन हुई थी. एनिमल्स जैसे डॉल्फिन्स दिखाई दिए थे गंगा के पानी में, और अभी डॉल्फिन ड्राइव टू सेव देम अभी वो चालू हो गया है, जस्ट बिकॉज अगर पानी क्लीन है तो अपने आप से वो एनिमल्स वहां पे रहने में फ्रीडम फील करेंगे, हैप्पीनेस फील करेंगे, दे आर कमिंग बैक टू द नेचर. सिमिलरली साइलेंटली हमारी जो रिवर्स है वो भी अपने आप को क्लेंस कर रही थी, क्लीन कर रही थी. ये एक इमेज है मुंबई का, जहाँ पे इस टाइम इतने सारे फ्लैमिंगो बर्ड्स देखे गए ऑन द बीचेस कि वो जो माइग्रेट हुए थे, जो आज तक इससे पहले कभी ऐसा पिक्चर दिखाई नहीं दिया. द व्यू वॉज ब्यूटिफुल. पंजाब जलंधर का ये पिक्चर है, बिफोर लॉकडाउन एंड आफ्टर लॉकडाउन, छत से लोगों को हिमालयन की हिल्स दिखाई दे रहे थे. तो दैट वॉज सो वेरी ब्यूटिफुल. द एयर वॉज सो ब्यूटिफुल, द सराउंडिंग वॉज सो क्लीन. सिमिलरली उड़ीसा के बीचेस पे कुछ ऐसा सीन था, जिसमें पहले लोगों को सैंड के हिल्स बना के उसके ऊपर कार्विंग करके वो बीचेस को ब्यूटिफाई करना पड़ता था. उसी जगह पे ब्यूटिफुल क्रीचर्स जैसे टर्टल्स क्रॉल करते हैं, तो उनको देख के और क्या आपको ब्यूटी फील होगी. इस तरीके का ब्यूटिफुल व्यू था. सिमिलरली यमुना नदी जो फ्लडेड थी विद द फ्रॉथ एंड ना बहुत सारा झाग जो इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से प्रोड्यूस हो गया था, आप प्रे भी करते हो उसके अंदर तो आप इनडायरेक्टली वो टॉक्सिन्स को खुद के अंदर लेते हो. ऐसा सिनेरियो था जो खुद को ये लॉकडाउन में बिकॉज ऑफ शटिंग डाउन ऑफ इंडस्ट्रीज अराउंड, लोगों का आना जाना बंद होने की वजह से द रिवर गॉट सो वेरी क्लीन आफ्टर द लॉकडाउन. सो साइलेंटली जब आप अंदर बंद थे तभी नेचर अपने आप को हील कर रहा था, बिकॉज इट वॉज नीडेड, इट वॉज द नीड ऑफ द टाइम, इट वॉज द पीक. जब आपकी भी पेशेंस खत्म हो जाते हैं तो यू रिएक्ट. सिमिलरली दिस पैंडेमिक वॉज अ रिएक्शन ऑफ द नेचर टू जस्ट लेट इट रेस्ट फॉर सम टाइम टू गेट इट हील्ड. जब वो अभी हील हो गया है तो जो हम लोग आज तक जो सारी चीजों को आज तक जो हमारी आजू बाजू थी, जो आज नेचुरल ब्यूटी जो हमें ये हीलिंग के बाद दिखाई दे रही है, तो दिस इज द टाइम टू जो हम लोग आज तक जो सारी चीजों को ग्रांटेड ले रहे थे, दिस इज द टाइम टू बी ग्रेटफुल फॉर दोस थिंग विच वी आर गेटिंग फॉर फ्री. जैसे आपका इकोसिस्टम बनता है आपसे, सन से और अर्थ से, ठीक है. जैसे हम लोग बोलते हैं हमारे थ्री बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा और मकान, बट आपको पता है बियॉन्ड दिस द मेन नीड फॉर योर लाइफ इज सन, अर्थ और आप खुद. वॉट इफ देर इज नो सन, सन डिसअपियर्स, क्या होगा तभी? आपको पता है आप बहुत लोग सोचते हैं क्या होगा, सिर्फ वार्म्थ नहीं मिलेगी, विटामिन डी नहीं मिलेगा, जो लाइट हमको मिल रही है उसकी जगह पे हम आर्टिफिशियल लाइट लगा देंगे. देन व्हाट अबाउट प्लांट्स? तो वो भी बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च से हो सकता है, फोटोसिंथेसिस भी हो सकता है, बट आपको पता है दैट वार्म्थ विटामिन डी इसके बियॉन्ड है. सन नहीं होना मतलब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन. एक रिसर्चर ने एक इमेजिन करके एक अंदाजा लगाया है कि किस तरीके से हो सकता है अगर सन डिसअपियर हो जाए. तो सोचिए आपके सराउंडिंग में जो सन अभी दिखाई दे रहा है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गया तो कुछ नहीं, हम लोग लाइट्स जला लेंगे. नहीं, लाइट्स जलाने से काम नहीं बनेगा. इफ सन डिसअपियर्स, आपको पता है इकोसिस्टम जो हमारा चलता है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सन. सन अपने ग्रेविटेशनल पुल से सारे प्लैनेट्स को होल्ड करके एक पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन में कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है. अगर सन नहीं होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं रहेगा, तो आप सोचिए प्लैनेट्स कैसे रोल करेंगे, वो तो गैलेक्सी में लॉस्ट हो जाएंगे. फिर क्या होगा? आपको पता है सन की रेज को अर्थ तक पहुंचने में 8.5 मिनट लगते हैं. सो विद इन सन गायब होने के 8.5 मिनट के बाद से जो शुरुआत होंगी, पहले आपका मून गायब हो जाएगा, बिकॉज सन की रेज ही मून रिफ्लेक्ट करता है आपके ऊपर इन फॉर्म ऑफ मून लाइट. तो मून कुछ इस तरीके का दिखेगा. बाद में जो फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स का वो नहीं होगा, तो प्लांट्स ग्रीनरी जो आपको बाजू में दिखने मिल रही है आपके सराउंडिंग में वो बंद हो जाएगी. उसके अलावा जो ग्रीनरी है वो कन्वर्ट हो जाएंगी विद द लेजेस ऑफ आइस अपॉन इट. आइस आपको हर जगह दिखेगा क्योंकि वार्मथ नहीं है, तो पूरा प्लैनेट आपका आइसी प्लैनेट हो जाएगा. Persons will be like this. क्योंकि टेम्परेचर माइनस डिग्री में जाएगा. जो माइनस डिग्री में एनिमल्स रहते हैं वो भी कुछ इस तरीके से रहेंगे कि वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बियॉन्ड माइनस और ज्यादा जब टेम्परेचर डाउन होगा तो कम्प्लीटली अर्थ विल बी फ्लडेड विथ आइस अराउंड. एक वीक में अर्थ का टेम्परेचर होगा -100 डिग्री फ़ारेनहाइट. जो अगर समझो इसको भी सर्वाइव कर पाए तो आपको देखिएगा कि ग्लेशियर्स डिजॉल्व होके पूरा सी जो हमारे आजू बाजू है वो भी आइस में कन्वर्ट हो रहा है. जो हमारे आजू बाजू सनलाइट की वजह से जो चेंजेस आते थे
वो कम हो कि आपका टेम्परेचर विद इन 2 वीक्स इट विल बी ड्रॉप टू -400 डिग्री सेल्सियस। बट आपको समझा, कुत्ता देखने के लिए हम लोग पहली बात तो जिंदा ही नहीं होंगे, जस्ट बिकॉज जो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से प्लैनेट्स होल्ड हो रहे हैं, तो वो अगर सन ही हट जाए तो वो पुल ही खत्म होके दो प्लैनेट्स एक दूसरे को कोलाइड होके इस तरीके से ब्लास्ट हो जाएंगे। सो अगर ब्लास्ट ही हो जाएगी तो लाइफ ही नहीं रहेगी टू सी ऑल दिस चेंजेस हैपनिंग। लकीली आर सन इज नॉट लॉस्ट एनीवेयर, इट इज देयर वेयर इट वॉज ऑलवेज एंड वेयर वी यूज टू टेक इट फॉर ग्रांटेड and where we were not even feeling gratitude for it just because it was doing its job for no cost from you. So today is the day to celebrate for being grateful for the sun. Similarly, just as sun important hai, वैसे और एक चीज important है, that is Mother Earth. It is not just celebrating Earth's Day, या Greenery Day, या Tree Day, या whatever you do for the Earth. जितना भी करो उतना कम है, जस्ट बिकॉज आपकी लाइफ कंप्लीटली डिपेंडेंट है उसकी हेल्थ के ऊपर। और ये हमको ये कोविड में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, बिकॉज अर्थ हमको बहुत सारी चीजें देता है, जस्ट नॉट द प्लेस टू लिव अपॉन। उसके अलावा वो हमको पानी देता है, टिम्बर देता है, मेटल, ऑक्सीजन, एनिमल्स, जो भी हमारे लिए एक ब्रेथ लेने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो सारे एलिमेंट्स कॉम्बिनेशन में हमारा अर्थ हमारे तक पहुंचा रहा है। जो एयर हम लोग कॉन्स्टेंटली ब्रीथ कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो कम्पोज ऑफ लॉट मेनी गैसेस टुगेदर, फिर वो आपके लिए एक प्रॉपर अमाउंट में बनती है जिसको आप ब्रीथ कर सको। अभी कोविड में जिनको भी ऑक्सीजन लगा है, आपके रिलेटिव्स को, आपको खुद को, तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि एयर कितनी इंपॉर्टेंट है, उसका हर एक एलिमेंट जो कॉम्बिनेशन में बनता है, विच इज सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप यू हेल्दी, टू कीप यू वर्किंग। वो एक जो एलिमेंट है, जो ये परसेंटेज आपको सामने दिख रही है, इसमें एक भी ऊपर नीचे हो जाए ना तो पीपल गो इनटू माइक्रोन्यूक्रोसिस, पता है ना आपको, ये बहुत लोगों ने फेस किया है, इसके डर को भी फेस किया है। तो दैट इज द कंपोजिशन ऑफ अर्थ जो इतना इंपॉर्टेंट है, जो अपने आप से बन रहा है, आपको इसके लिए कोई मेहनत नहीं लेनी है, जो अपने आप से आपके लिए आपके ट्रीज बना रहे हैं, आपका एनवायरमेंट बना रहा है, जिसके लिए हम लोग एक सिंपल थैंक यू भी नहीं बोलते। एयर आपको क्या क्या देता है? एयर आपको देता है सबसे इंपॉर्टेंट, यू कैन ब्रीथ। उसके अलावा आपका पूरा जो रेनी वाटर साइकिल है वो भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जो साउंड सुनाई आ रहा है वो भी एयर के वाया आप तक ट्रैवल हो रहा है। सिमिलरली जो पॉलिनेशन होता है, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स क्रॉप्स के ऊपर से पॉलिनेट करके दूसरे, ये पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है आपको पता है? ये छोटी सी चीज है बट ये आपकी इकोसिस्टम को बैलेंस में रखती है, ये आपको फ्लावर्स लेके आती है, ये आपको फ्रूट्स लेके आती है। तो छोटा सा छोटा इंसेक्ट भी आपकी इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, टू कीप यू लाइफ, गिव यू लाइफ, टू गिव यू दिस लाइवली एटमोसफियर अराउंड यू। सिमिलरली पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है, फायर देता है, विंड देता है। आप स्विम भी करते हो ना तो आपको पहले एयर पुल इन करनी पड़ती है तो ही आप स्विम कर सकते हो। तो एयर इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वो आपके टेम्परेचर को बैलेंस में रखता है, आपके आजू बाजू की मॉइस्चर को बैलेंस में रखता है। आपको पता है एक पर्सन को दिन भर में 11,000 लीटर की एयर लगती है टू ब्रीथ। अगर आप एक बॉटल भी खरीदने जाते हो ना तो यू नीड टू पे 20 रुपीज फॉर दैट 1 लीटर ऑफ बॉटल। इमेजिन कीजिए आप कॉन्स्टेंटली हर रोज सिंस योर बर्थ यू आर ब्रीदिंग इन 11,000 लीटर्स ऑफ एयर डेली, तो आपने कितना ग्रेटफुल होना चाहिए आपके सराउंडिंग और आपके वेदर को, आपके आजू बाजू की चीजों को, ट्रीज को। एक ट्री दिन भर में 4 लोगों को सफिशियंट हो उतना ऑक्सीजन, उतनी एयर देता है। तो इमेजिन कीजिए जो लोग बोलते हैं ना ट्रीज लगाओ, ट्रीज बचाओ, नाउ इट शुड चेंज कि आपको बचना है तो आप ट्रीज लगाओ, क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू नॉट फॉर द इकोसिस्टम। ट्रीज ऑक्सीजन के अलावा भी बहुत सारी चीजें देते हैं, जैसे आप इस टाइम देखते हो फ्लड्स ज्यादा आ रहे हैं बराबर, उसके अलावा साइक्लोन्स आ रहे हैं। तो फ्लड्स क्यों आ रहे हैं आपको पता है? जब ट्रीज के रूट है ना, अब पहले पूरा फॉरेस्ट था तो ट्रीज के रूट्स जो रहते हैं वो सैंड को या सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। तो जब भी बारिश भी हो, बहुत ज्यादा पानी भी भर जाए तो भी वो सॉइल वॉश आउट नहीं होती थी, बट अभी क्या हो गया, बिकॉज ऑफ कॉलोनाइजेशन हम लोग हर जगह घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग फॉरेस्ट को कम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जब ट्रीज ही नहीं है तो उसके रूट्स कहाँ होंगे जो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। तो जब बारिश आती है तो उसके साथ साथ वो सब कुछ फ्लो होके जाता है। सो यू आर कॉन्स्टेंटली सीइंग द सिनेरियो ऑफ फ्लडिंग, साइक्लोन्स, है ना।
उसके अलावा आपको इरोजन्स दिखते हैं, बहुत सारे लैंडस्लाइड्स दिखते हैं, तो दैट इज जस्ट बिकॉज ट्रीज आर नॉट अराउंड. आपको समझा, ट्रीज आर दैट वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग लिबरेट करते हैं वो एक्सचेंज होकर हमको ऑक्सीजन मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं. आप जो घर बनाते हो आपकी 80% चीजें आपको ट्रीज से मिलती है. सो यू आर वर्किंग फॉर मनी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बियॉन्ड योर मनी देर इज समथिंग इन द नेचर विच इज इम्पॉर्टेंट टू यू एंड विच यू शुड टेक केयर ऑफ राइट नाउ. क्योंकि सिनेरियो नहीं तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा. अभी ट्रीज को आपकी जरूरत है, इसीलिए आप उनकी हेल्प कीजिए ताकि फ्यूचर में आपको कुछ इस तरीके का सिनेरियो ना देखने मिले. Are you grateful to nature around you? अगर आज नहीं हो तो let's celebrate and be grateful to the gifts of nature around us. आज आपको पता है ये celebration आज का नहीं है, ये सदियों से Indian tradition में abided है. हमारे हर एक festival nature से aligned है. हर एक celebrate, हर एक festival is to celebrate the nature around us. For example, आप देखोगे different different festival जैसे नवरात्रि. नवरात्रि साल में दो बार आती है. आपको पता है वो टाइम पे आपका नेचर, आपके पूरा शिफ्ट इन नेचर होता है टूवर्ड्स द कोल्डर साइड. आपका जब नेचर शिफ्ट हो रहा है कोल्डर साइड, आपको पता है सारे एनिमल्स ये नेचर से साइकिल के हिसाब से चलते हैं. आप देखोगे बर्ड्स रात को फ्लाई नहीं करते हैं, फिर इंसेक्ट्स या एनिमल्स रात को खाना नहीं खाते हैं, वो सन के हिसाब से चलते हैं, खुद की साइकिल को मेंटेन करते हैं, नेचर साइकिल. बट वी ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट इनफ to produce so many things. टू ना साइंटिफिकली हमने इतनी सारी चीजों को बना लिया, इतनी सारी चीजों को इवॉल्व कर लिया है कि हम लोग नेचर साइकिल से थोड़ा बियॉन्ड होके भी सर्वाइव कर सकते हैं, राइट? वी हैव आर्टिफिशियल लाइट कि हम लोग रात भर जाग सके, हम लोग अलग अलग चीजों को यूज कर सके. बट आपको पता है नवरात्रि के टाइम पे जब ये शिफ्ट होता है नेचर में तो आपकी बॉडी को भी अडाप्ट होने को टाइम लगता है, ठीक है? ये एनिमल्स नेचर के साथ क्यों सिंक होके चलते हैं, क्योंकि बॉडी को भी नेचर के हिसाब से अडाप्ट होने को टाइम लगता है. वैसे ही ड्यूरिंग दिस नवरात्रि जब आपका नेचर शिफ्ट हो रहा है, आपकी बॉडी को अडाप्ट होने को टाइम लग रहा है, अगर वही टाइम पे आप कुछ जो रेगुलर खाते हो वैसे ही हैवी खाना खाओ तो आपकी बॉडी को अलग अलग इलनेसेस हो सकते हैं. यू कुड सफर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट इलनेसेस ऑफ GIT, बोन्स, लंग्स, हार्ट. वो इलनेसेस से बचने के लिए आपको लाइटर साइड ऑफ फूड खाना चाहिए, जैसे फ्रूट्स या डिफरेंट डिफरेंट जो आप तो वो टाइम पे हमारे ट्रेडिशन में क्या है कि यूजुअली वी फास्ट, राइट? आप फास्टिंग करते हो तो फास्टिंग यानी क्या, आप ये खाना खाने की जगह पे आप थोड़ा सा लाइटर खाना खाते हो, तो इनडायरेक्टली आप अपनी बॉडी को हेल्प कर रहे हो सेट होने में वो वेदर को, और साथ साथ में अपनी बॉडी को हेल्प कर रहे हो ताकि आपको इलनेसेस में नहीं जाओ. तो योर फेस्टिवल इज सो वेरी लॉजिकल. सिमिलरली दीपावली जो फेवरेटेस्ट ऑफ फेस्टिवल है जो हर कोई मनाता है, आपको पता है दीपावली के बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, जैसे भगवान राम घर वापस आए थे. सिमिलरली बौद्ध धर्म में मानते हैं कि भगवान बुद्ध को वो टाइम पे ज्ञान हुआ था, भगवान महावीर को वो टाइम पे मोक्ष प्राप्त हुआ था, ऐसा जैनिज्म में मानते हैं. सिमिलरली गुरु गोविंद सिंह को मुगल से फ्रीडम मिला था ऑन दीपावली, तो इसीलिए वो लोग ये सेलिब्रेट करते हैं. तो सिमिलरली ऑल ओवर इंडिया दीपावली इज सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप इन बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रीजंस. बट क्या सिर्फ इतना ही रीजन है क्या दीपावली सेलिब्रेट करने का, या नासा को हमको ऐसी एक पिक्चर निकालने देनी है इसीलिए हम लोग दीपावली सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि हर साल नासा एक ऐसा पिक्चर पोस्ट करती है कि इंडिया इज लुकिंग सो वेरी ब्यूटिफुल ऑन द डे ऑफ दीपावली. दीपावली का मीनिंग है दीप की ओली, यानी आप पूरी एक लंबी, जो पहले के ट्रेडिशन में हर जगह छोटे छोटे दीप लगाते थे. आपको पता है वो टाइम पे हार्वेस्टिंग का टाइम रहता है कि हम लोग क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं. जब क्रॉप हार्वेस्ट होते हैं तो अलग अलग छोटे छोटे इंसेक्ट जैसे मस्कीटो स्पेशली बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो जब आप दीप जलाते हो तो इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होके उसकी फायर में बर्न हो जाता है. तो एक ये काइंड है आपके नेचर को सेट करने का, आपको खुद को हेल्प करने का, सर्वाइव करने के लिए. ये जो पुराने लोग थे ना उनकी छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस छुपी हुई रहती थी. तो जैसे आप मोर्टिन ना अलग अलग चीजें लगाते हो टू गुड नाइट मस्कीटोज से बचने के लिए, वैसे ये उनका छोटा सा एक चीज था कि जिससे वो मस्कीटोज से बच सकते थे क्योंकि वो हार्वेस्टिंग का टाइम था. तो उसके अलावा अगर आप मानते हो दीपावली में हम लोग अलग अलग स्वीट्स खाते हैं जो कि शुद्ध घी में बनते हैं, राइट? तो बहुत लोग अभी उसको नहीं खाते बिकॉज ऑफ डाइटिंग पर्पजेस. बट आपको पता है कि जब तभी भी वेदर में चेंजेस आते हैं और वो वेदर को
अडाप्ट करने के लिए आपके बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत रहती है, एक हैवी फूड की जरूरत रहती है। तो जब आप घी खाते हो तो इनडायरेक्टली आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो वो एटमॉस्फेयर में रहने के लिए, खुद को वो एटमॉस्फेयर के साथ अडाप्ट करने के लिए। साथ साथ में हम लोग बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, तो इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ लव बॉन्डिंग, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ स्वीट्स, इट्स सेलिब्रेशन ऑफ लाइट। और एक एग्जाम्पल ले लो होली का। नाउ डेज होली का एक ट्रेंड है, बहुत सारे कलर्स है ना, बहुत सारा शोर, बहुत सारा म्यूजिक, बट बियॉन्ड दैट होली क्यों मनाते थे? क्योंकि होली के टाइम पे जब आप होली का जलाते हो वो टाइम पे भी एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में बहुत शिफ्ट आता है, एटमॉस्फेयर थोड़ा कोल्डर साइड होता है। तो जब आप होली का जलाते हो तो इनडायरेक्टली आपकी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर राइज होता है, राइट? तो होली का जलाने से आपको एक हेल्प मिलती है कि आप वो कोल्डनेस को सर्वाइव कर सको। सिमिलरली जब आप होली का जलाते हो तो वहां एक ट्रेडिशन है कि आप होली के आजू बाजू चक्कर लगाते हो, यू प्रे वाइल मूविंग अराउंड द होली का लाइट, राइट? फायर के अराउंड मूव करते करते आप प्रे करते हो। तो आपने अगर एनर्जी साइंस को थोड़ा भी समझते हो तो आपको पता होगा कि ऑरा क्लेंजिंग के अलग अलग तरीके हैं, उसमें से एक है फायर क्लेंजिंग। फायर क्लेंजिंग यानी क्या? पुराने जमाने में आप देखते तो कपूर जला के भी नजर उतारते हैं। व्हाट वी आर डूइंग इज आपकी ये फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड आपकी एक ऑरिक बॉडी है। अगर आप वो बेहतर समझना चाहते हैं तो डू वॉच द मूवी स्पिरिचुअल रियलिटी, जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, इट्स इन हिंदी। तो अगर आप वो मूवी देखते हो तो आपको समझेगा कि हमारे फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड भी हमारी एक बॉडी है, दैट इज आवर एनर्जी बॉडी, ठीक है? आपकी एक ऑरा, ठीक है? तो जब आपकी ऑरा, आप जब ये चक्कर लगाते हो तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, वो फायर एलिमेंट से आपकी ऑरा क्लेंज होगी। उसके अलावा फिजिकल बॉडी पे भी ठंडी की वजह से, आप बोलते हैं ना स्किन एलिमेंट ज्यादा होते हैं ठंडी के दिनों में, तो स्किन के ऊपर जो भी बैक्टीरियाज, वायरसेस, माइक्रोब्स रहते हैं, व्हेन यू सर्कल अराउंड दिस फायर, तो वो हीट की वजह से वो सारे माइक्रोब्स मर जाते हैं। तो इट इज वन वे ऑफ क्लेंजिंग योर स्किन ऑल्सो। और उसके अलावा होली में बहुत लोग जोर जोर से गाना गाते हैं, पुराने लोग गाना गाते थे, जोर जोर से संगीत गाते थे, तो वो एक तरीका है। तो जैसे नहीं, कोल्डनेस की वजह से लोग थोड़े से लेजी हो जाते हैं, थोड़े से सेटल डाउन, थोड़े से स्लो मूवमेंट रहता है पूरे एटमॉस्फेयर में। तो एक जो साइकोलॉजिकली जब अगर कोई डिप्रेस्ड पर्सन भी ना, तो हम लोग उनको बोलते हैं कि आप जोर जोर से गाना गाइए, जोर जोर से बात कीजिए, ताकि आप अपने डिप्रेशन को कम कर पाओ। तो ये जो ट्रीटमेंट हम लोग अभी दे रहे हैं वो हमारे जो पूर्वज थे वो टाइम से करते आ रहे थे। वो अच्छा अच्छा म्यूजिक, अच्छा अच्छा गाना गाते थे ताकि वो अपने बॉडी का एक टेम्परेचर बढ़ा सके, खुद को रिजुविनेट कर सके, खुद को हैप्पी कर सके। सिमिलरली इट्स अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। आपको पता है पहले के कलर्स बनते थे नेचुरल चीजों से, नेचुरल प्रोडक्ट से, मिट्टी हो गई, मिट्टी को अलग अलग कलर दे के, वेजिटेबल्स से, फ्लावर्स से। तो वो जो कलर्स रहते थे इट इज काइंड ऑफ एंटीसेप्टिक, या जो अभी आप कॉस्मेटिक फेशियल मसाज बहुत सारे ऑयल्स लगा के जो एक्सपीरियंस करते हो, वो टाइम पे बाय प्लेइंग दैट कलर्स भी वो इम्पैक्ट अपने स्किन पे ला सकते थे। तो दैट वाज वन काइंड ऑफ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट फॉर योर स्किन। तो होली का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सिमिलरली हमारे हर एक फेस्टिवल इस काइंड ऑफ सेलिब्रेशन टुवर्ड्स नेचर, एक ग्रैटिट्यूड, एक पे बैक, और उसके बेनिफिट्स आप ही को रिटर्न मिलते थे इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट डिफरेंट हीलिंग्स। सो लेट्स सेलिब्रेट। हमारे सेकेंड चैलेंज में मैं चाहती हूँ कि आप सेलिब्रेट करो नेचर, आपके अराउंड जो नेचर है उसको। सो आज आप क्या करना है, फर्स्ट पार्ट इज आपको एक ट्री को हग करना है, और आप जब हग करोगे तभी आपका एक फोटो क्लिक करना जिसको आप ग्रुप में पोस्ट करोगे। जब आप ट्री को हग करोगे तो आप एक्सपीरियंस कीजिए कि आपके एनर्जी लेवल में आपको कुछ शिफ्ट समझ में आता है। नॉट अ प्लांट बट अ ट्री, याद रखना। आपको प्लांट के साथ फोटो नहीं डालना है, आपको ट्री को हग करके ही फोटो डालना है। आप समझिए जैसे जैसे आप मैच्योर होते हो आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। वैसे ही ट्री जितना पुराना है, एक ट्री को उगने को कम से कम 3 से 5 साल लगते हैं। तो आप सोचिए कुछ कुछ ट्री आपके आजू बाजू जो होंगे वो शायद आपसे भी पुराने होंगे, तो उसकी ऑरा में कितनी पावर होगी। तो आप जब उसको हग करोगे तभी वो चीजों को आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। सेकेंड टास्क इज सन गेजिंग। सन गेजिंग आपको कम से कम 5 मिनट के लिए करनी है, और आप सन का कोई भी एक ब्यूटिफुल पिक्चर निकाल के पोस्ट कीजिए ग्रुप में, ठीक है? थर्ड इज एक्सपीरियंस विंड वॉश, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी विंड वॉश क्या होता है। एंड फोर्थ इज टू मेडिटेट फॉर 5 मिनट्स एटलीस्ट इन द नेचर, और एक्सपीरियंस कीजिए आपको कैसा लगता है, और उसको ग्रुप में पोस्ट कीजिए। वॉट इज सन गेजिंग? जैसे
सन गेजिंग यानी क्या, मैं चाहती हूँ सन गेजिंग का प्रोसेस क्या है पहले वो समझ लीजिए कि आपको अर्ली मॉर्निंग सन को स्टेयर करना है विदाउट ब्लिंकिंग योर आइज. अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो बहुत बार आपकी आंखें ब्लिंक होंगी, दैट इज वेरी नॉर्मल, इट्स ओके. बट धीरे धीरे जब आप रोज रोज ये प्रोसेस करोगे तो आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी, आप सन को 5 मिनट से भी ज्यादा भी देख पाओगे. और ये आज का टेक्निक नहीं है, ये हमारे पूर्वज काफी टाइम से करते हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड. इजिप्शियंस में उनके पिरामिड्स में कुछ कार्विंग्स मिली है जिसके ऊपर ये सन गेजिंग का टेक्निक के बारे में मेंशन किया है. और वहां के लोग ये मानते हैं कि अगर आप सन गेजिंग करते हो तो इनडायरेक्टली आप अपनी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज को डेवलप करते हो. अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आप समझ पाओगे कि एनर्जी को रेज करना कितना जरूरी है. एंड सन गेजिंग इज द बेस्ट एंड मोस्ट इजिएस्ट वे टू रेज योर एनर्जी. अभी सन गेजिंग में होता क्या है कि आप सन को देख रहे हो कॉन्स्टेंटली विदाउट ब्लिंकिंग योर आइज. बीच बीच में कभी आपको स्ट्रेस लगे तो आप अपनी आइज को ब्लिंक कर सकते हो. बट वो टाइम पे क्या होता है कि यूवी रेज नहीं होते बराबर, तो सन की लाइट आपकी आइज के थ्रू होते हुए एक पीनियल ग्लैंड होता है सेंटर ऑफ योर हेड. तो वो ग्लैंड है मास्टर आपके पूरे बॉडी का, वो आपके सारे सिस्टम्स का मास्टर है, स्पेशली द एंडोक्राइन सिस्टम. आपके सारे जो हार्मोन्स बॉडी में फ्लो होते हैं अलग अलग, जो आपको अलग अलग चीजों को फील करवाते हैं, तो वो हार्मोन्स को रूल करने वाला जो पीनियल ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो जाता है. वो एक्टिवेट होने की वजह से आपको हर एक लेवल में इम्प्रूवमेंट समझ में आएगी, आपकी एनर्जी लेवल हाइटन अप होगी, आपकी बहुत सारी डिजायर्स जो रहेगी जैसे अलग अलग चीजें खाने की वो थोड़ी सी कम हो जाएगी. आपके सामने ऑलरेडी बॉडी में एनर्जी है तो आपको फूड की डिजायर ही नहीं होगी एनर्जी के लिए, तो अपने आप से वो चीजें कम हो जाएगी. सो दिस इज द सन गेजिंग प्रोसेस. पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है सन गेजिंग से, और ये वेल नोन टेक्निक है, बहुत सारे नॉलेजेबल लोग ये बहुत पहले से करते आए हैं. इसको हिंदी में सूर्य साधना भी बोलते हैं. बेनिफिट्स ऑफ सन गेजिंग क्या है कि आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाएगी, जो आपकी एबनॉर्मल हंगर क्रेविंग है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो जाएगी. आपका जो ब्लॉकेजेस हम लोग बोलते हैं ना मेंटल लेवल पे, जो भी मेडिटेशन करते हैं आपको पता होगा कि ब्लॉकेजेस रिलीज करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बट दिस इज द बेस्ट टेक्निक टू रिलीज योर ब्लॉकेजेस. आपकी आईसाइट इंप्रूव होती है, आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है जो आपका मास्टर है पूरे बॉडी का, स्पेशली द एंडोक्राइन सिस्टम. और आप सोचिए आपके हार्मोन्स अगर हैप्पी है, तब आपके बॉडी में जो रिलीज हो रहा है सारे हार्मोन्स अगर अप्रोप्रिएट और एकदम हम लोग बोलते हैं ना डेफिनेट वर्क कर रहे हैं, तो अपने आप से आपका पूरा बॉडी का सिस्टम बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है. उसके अलावा वो आपके सीरोटोनिन और मेलाटोनिन जो अलग और भी चीजें हैं आपकी बॉडी की उनको ट्रिगर करता है. सन गेजिंग में बहुत बार कभी कभी कोई कोई पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि उनकी एनर्जी थोड़ी एक्सेस बढ़ गई है. उसके अलावा किसी को हेडेक, किसी को एसिडिटी भी फील हो सकती है जब अगर आपकी एनर्जी रेज होती है. तो इसके लिए सन गेजिंग के बाद बहुत बार सजेस्ट करते हैं कि आपने ग्राउंडिंग टेक्निक करनी चाहिए, या ग्राउंडिंग का कोई भी छोटा सा मेडिटेशन करना चाहिए, या आपको अगर कुछ भी नहीं पॉसिबल हो तो आप आपके नहाने के पानी में थोड़ा सा रॉ सॉल्ट जो रहता है, सी सॉल्ट रहता है, वो थोड़ा सा डाल के उससे नहा सकते हो, तो वो आपकी एनर्जी को बैलेंस करेगा. या सबसे बेस्ट जो मैंने आपको सेकेंड ट्रिक जो दी है, दैट इज नॉट दिस, हगिंग द ट्री. अगर आप ट्री को हग करते हो तो भी आप एक फॉर्म में खुद को ग्राउंडिंग कर सकते हो. नाउ व्हाट इज विंड वॉश? सेकेंड जो मैंने आपको टास्क दिया है, कम से कम 5 मिनट के लिए एक्सपीरियंस कीजिए व्हाट इज विंड वॉश. अगर आप समझते हो आपके बॉडी के आजू बाजू एक लेयर है आपकी ऑरा की, तो ऑरा क्लेंस करने के बहुत सारे तरीके हैं. उसमें से जैसे नहीं आप नहाते हो पानी से, आप अपनी बॉडी को नहलाते हो, राइट, दैट इज वाटर वॉश. उसके अलावा आप अगर अपने हाथों का स्ट्रेच करते हो और पूरी हवा में खड़े होते हो, इट इज गिविंग यू अ काइंड ऑफ विंड वॉश. उससे क्या होगा, आपकी स्किन पर के जो एक्स्ट्रा डेड सेल्स है वो वॉश आउट हो जाएंगे, बैक्टीरिया वायरसेस वॉश आउट हो जाएंगे. उसके अलावा आपको एक अलग टाइप का फ्रेशनेस फील होगा, आपको एक अलग टाइप की एनर्जी फील होगी. ये मैं आपको कितना भी बोल दूं आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे. सो गो आउट एंड डू एक्सपीरियंस दिस विंड वॉश टूडे. फायर वॉश के बारे में मैंने आपको बताया, जब आप सर्कल करते हो वो होलिका को तो भी आप इनडायरेक्टली खुद को एक फायर वॉश करते हो. पुराने लोग नजर उतारते थे फायर से, तो दे आर इनडायरेक्टली क्लेंजिंग योर ऑरा. ये फायर वॉश विंड वॉश टेक्निक अगर आप सदगुरु को फॉलो करते हो, आपने उनका वो आदि योगी का अगर कभी विजिट किया होगा प्लेस, तो आपको उनका ये मेन हीलिंग टेक्निक है द फायर वॉश एंड द विंड वॉश.
अगर आपने देखा होगा उनके कोई भी वीडियोस अगर आप देखते हो टू क्लेंजिंग द ऑरा, तो उसमें ये दो टास्क इम्पॉर्टेंट टास्क है और ये इतने डीप लेवल की हीलिंग आपको कॉज करते हैं. तो डू एक्सपीरियंस विंड वॉश टूडे. ऑल्सो मेन टास्क आपका है कि हग अ ट्री. अभी आप ट्री को हग करते हो जैसे आप ये सारे पिक्चर्स में देख रहे हो. सो आपको लग रहा होगा कि वाई टू हग अ ट्री. आप एक बात समझिए, जैसे मैंने आपको बोला जैसे नॉट अ प्लांट बट अ ट्री. जस्ट बिकॉज कि जैसे आप बड़े होते हो आपकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ती है, वैसे ही ट्री की भी एक अपनी एक ऑरा है ना. ट्री इज अ लिविंग थिंग, तो उसकी भी अपनी एक ऑरा है. वो सालों से उधर ही खड़ा है. तो आप एक्सपीरियंस कीजिए कि आपको अगर कोई इतना 150 साल 400 साल पुराना पर्सन अगर आपको ब्लेस करता है विथ हिज ऑल हिज एनर्जी, तो आपको कितनी एनर्जी फील होगी, आपका कितना ग्रेस पड़ेगा, आपको कितनी ज्यादा बेनिफिट्स लाइफ में होने वाले. प्लस आपने अगर एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप जानते हो कुछ भी हीलिंग टेक्निक्स जैसे रेखी, प्राणिक हीलिंग, जो भी आपको हीलिंग टेक्निक्स पता है, अगर आप उसके डीपर लेवल में जाओगे, आप अपने टीचर्स से अगर पूछोगे तो वो भी बोलेंगे कि हीलिंग होती है ट्री से. ट्री में एक अलग पावर है हीलिंग की. अगर आप ये पिक्चर्स में यहाँ पे देखोगे तो अगर आपकी अपनी एक ऑरा है, राइट, ट्री की अपनी एक ऑरा है, तो अगर आप ट्री के पास में जाते हो तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, आपकी ऑरा को ट्री के ऑरा के साथ मर्ज कर रहे हो. तो जब आप कोई एक्सपीरियंस पर्सन के ऑरा के साथ खुद के ऑरा का मर्ज करते हो ना, तो आप काफी सारी ब्लेसिंग्स, काफी सारी पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एनर्जी उससे लेते हो. एंड प्लस जो ट्री आपको रोज 11,000 liters ऑफ एयर दे रहा है कॉन्स्टेंटली, इट डिजर्व्स अ हग. बस आप जब सेलिब्रेट करते हो तो आप क्या करते हो, आपके आपके लव्ड वंस को आप जाके हग करते हो. सो दिस इज द टाइम टू बी ग्रेटफुल फॉर द ट्रीज अराउंड यू, कि वो आपको इतने दिनों से बिना मांगे, बिना कुछ किए आपको कॉन्स्टेंटली फ्री ऑफ कॉस्ट इतना सब कुछ दे रहे, तो एटलीस्ट इट डिजर्व्स अ हग फ्रॉम यू, राइट. टुडेज टास्क में आपको ट्री को हग करना है. एक्सपीरियंस द शिफ्ट विद इन योर सेल्फ. एक एक्सपीरियंस में अपना शेयर करती हूँ. ड्यूरिंग व्हेन वी वेयर प्रैक्टिसिंग रेकी, तो वो प्रैक्टिस में एक जो लेडी मेरे साथ थी उनको सोरियासिस का प्रॉब्लम था इन, और वो जो पैचेस थे वो काफी डीप थे जो हील ही नहीं हो रहे थे कॉन्स्टेंटली. तो जब उनको एक टेक्निक जो हमारे सर ने दिया था कि गो इन सिंक विद द ट्रीज ऑरा, और ट्री को जब आप हीलिंग देते हो तभी आप एक्सपीरियंस कीजिए कि आपके काफी सारे एलिमेंट्स पास आउट हो रहे ट्री के. अभी आप क्यों एक्सपीरियंस करते हो, क्योंकि ट्री को रूट्स है, वो ग्राउंड कर सकती है अपनी चीजों को, आपको रूट्स नहीं. तो उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया कि उनकी ऑरा ट्री के साथ मर्ज हो रही है, ट्री उनको हील कर रहा है और अपने आप से उनकी जो एलिमेंट्स है वो पास आउट हो रहे हैं, हील हो रहे हैं. तो विद इन स्पैन ऑफ मुझे लगता है 3 months वी हैव सीन दैट ट्री, उसके ऊपर छोटे 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 पैचेस दिखाई दिए एंड वो लेडी के सोरियाटिक पैचेस थोड़े से कम हो गए. शी वॉज टेकिंग द ट्रीटमेंट, शी वॉज टेकिंग इट फ्रॉम 15-20 years. बट वो टाइम पे जो ये हीलिंग के बाद उसका एक्सपीरियंस था, प्लस उसके पूरे लेग्स क्लीन हो गए थे और वो ट्री के ऊपर पैचेस था, तो दैट वाज वेरी एविडेंट कि वो सारा सच्ची में एलिमेंट वहां तक पास हो गया. अगर आप यूट्यूब पे जाके भी डालोगे ना द हीलिंग पावर ऑफ ट्री, लोगों के एक्सपीरियंसेस, तो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस विथ वीडियोज, विथ फोटोग्राफ्स, आपको बहुत सारे मिलेंगे. बट मैं चाहती हूँ रादर देन गोइंग बियॉन्ड एनीबडीज एक्सपीरियंस, सच है झूठ है, आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस दिस शिफ्ट इन योर एनर्जी. तो आप बाहर जाइए, एक्सपीरियंस कीजिए कि आपकी एनर्जी में क्या शिफ्ट होता है जब आप ट्री को हग करते हो सभी. एंड क्लिक अ फोटोग्राफ ऑफ यू और पोस्ट कीजिए ग्रुप में ताकि मुझे पता चले कि आपने टास्क किया है. सो दैट इज योर चैलेंज टू फर्स्ट, कि आपको ट्री को हग करना है, आपकी एनर्जी में क्या शिफ्ट होता है उसको एक्सपीरियंस कीजिए, उसको आपके फोटो के साथ पोस्ट कीजिए. सेकेंडली, आपको अर्ली मॉर्निंग उठ के सन को गेज करना है 5 minutes के लिए. आपको सन का एक ब्यूटीफुल पिक्चर क्लिक करना है, उसके साथ में आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जो आपको सन गेजिंग से मिला है. सन गेजिंग के बारे में बताती हूँ, औरंगाबाद के आगे जालना करके प्लेस है, वहाँ पे महाराष्ट्र में, वहाँ पे एक पर्सन रहते हैं अभय देवरा. अब अगर आप उनके बारे में जानते हो, वो डिस्कवरी पे भी उनका एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री आया है इससे पहले. इज द पर्सन की वो पूरे दिन में सिर्फ 250 ग्राम मूंग खाते हैं, ठीक है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं लेते हैं. कि व्हेन ही वाज आस्क्ड कि आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो वो बोले थे कि मेरे को सन गेजिंग से जितनी एनर्जी मिलती है तो मुझे कुछ खाने का मन ही नहीं करता है. आपको क्या लगता है ये पर्सन क्या करते होंगे?
ये घर में बैठ के सिर्फ ना ध्यान साधना ऐसा नहीं करते हैं. ही इज अकाउंटेंट इन अ बैंक, तो आप सोचिए उनको, और वो कैशियर है तो उनको कैश लेने देने का काम है, काफी डिफिकल्ट काम है जिसके लिए अपना अलर्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. और आप सोचिए वो पर्सन सालों से सिर्फ 250 ग्राम मूंग खाता है और उसी पे जी रहा है. ऑल हिज एनर्जी इज गेटिंग फ्रॉम सन गेजिंग. इतना पावरफुल टेक्निक है ये सन गेजिंग. सो डू एक्सपीरियंस इट टुमारो मॉर्निंग. उसके साथ साथ आपको एक विंड वॉश का एक्सपीरियंस करना है और मुझे बताइए आपको कैसा लगा. एंड ऑल्सो मेडिटेट फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स इन नेचर, गिविंग ग्रेटिट्यूड टू द नेचर. अगर आपको ये वीडियो में से कुछ भी पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो कि हमारा नेचर कॉन्स्टेंटली हमारे लिए कितना ब्यूटिफुली वर्क कर रहा है टू जस्ट मेक अस लिव, तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, कुछ भी फील हुआ हो, जस्ट गो इन नेचर. 5 मिनट के लिए बैठिए और आपको जो कुछ भी सुनाई आ रहा है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी एक्सपीरियंस हो रहा है, गिव ग्रैटिट्यूड फॉर दैट. गिव ग्रैटिट्यूड. आई एम ग्रेटफुल दैट यू आर वर्किंग सो कोऑर्डिनेटली टू मेक मी और गिव मी लाइफ. सो दैट्स इट. दैट्स द चैलेंज टू फीलिंग ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स नेचर. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस चैलेंज. And I'm loving to see all your feedbacks, and I'll wait to see all the feedbacks of this challenge too also. So thank you so much, and I definitely wait to see all your feedbacks. Your feedbacks are like fuel to me. आप जितने feedbacks डालते हो ना, तो मुझे और motivation मिलता है बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप तक लाने. Hopefully आपको ये वाला भी पूरा चीज पसंद आया होगा. So thank you so much for being the part of this challenge. Thank you so much.